ताला खोलोगे उस्ताद जी? चाबी को ना जाएगा बड़ी की हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है जी सबका? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। यार आप भी कह रहे होंगे इतने दिन हो गए व्लॉग वगैरह नहीं आया, तो बस आपको पता है अकबर का एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे बिजी हैं, कहीं हॉस्पिटल लेके जाना, कभी इधर कभी उधर, तो टाइम भी नहीं मिला। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बंदा बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता, ठीक है, तो इस वजह से भी व्लॉग नहीं आया। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता स्टार्ट करेंगे दोबारा, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, गर्मी थोड़ी ख़त्म हो जाए। तो आज का व्लॉग कुछ इतना खास नहीं है, वैसे ही बस मैंने कहा यार सारे दिखने वाले गेंगे, पता नहीं किधर गायब हो गए, सुभान साहब नज़र ही नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा चलो छोटा मोटा आज व्लॉग बनाते हैं। उधर उमर भाई का ना घर बनाया उन्होंने, तो उनकी ना ममटी का लेंटर पड़ा आज, तो मेरा दिल है उधर चलते हैं, उमर भाई से भी मिलते हैं, आपको मिलाते हैं और उनका लेंटर दिखाते हैं। तो ये बाइक है जो तैयार करवाया है, पिछला व्लॉग मैंने आपको दिखाया था, तो ये जी हमारी ओडी, छोटी ओडी, तो ये तैयार करवाई है। ये पौधे भी आपको दिखाएं जी, पौधे भी बड़े हो रहे हैं अभी, जो लगाए थे हमने आपको व्लॉग भी दिखाया था, तो ये भी बड़े हो रहे हैं। अभी चलते हैं उमर की तरफ, गर्मी इतनी है खड़े नहीं हो सकते बाहर, इतनी गर्मी है, देखें धूप वो सर पे पड़ रही है धूप, तो अभी निकलते हैं उमर की तरफ। अपने घर में जो पुराने वाला घर है, तो बुलाते हैं उमर भाई को, से पहले आपको उनके बबलू दिखाते हैं। ये बकरियां उन्होंने रखी हुई हैं जी, बबलू, ओ उमर भाई घर चलते हैं बुलाते हैं, क्या पता अभी घर भी हैं कि नहीं। अब कह रहे जी उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है भाई? लगता है ये मजदूरी कर रहे थे आज, कपड़े देखेंगे क्या हालत बनी हुई है। सुनाओ जी लेंटर पड़ गए, मुबारक हो यार, अल्लाह बकर रहना नसीब करे उसको, जल्द से जल्द उसको मुकम्मल करे। मैं तो घर गया था, तो मैंने कहा आपको व्यूवर्स को दिखाते हैं आपका लेंटर, लेकिन आप वहाँ पर मिले ही कोई नहीं, ताला लगा हुआ था। ये रास्ता इनका भी कच्चा ही है हमारा इसी तरह, लेकिन ये रोड बना रहे हैं इन्होंने, निशानदेही की हुई है, हम करीब ये पक्की करेंगे रास्ता सारा, अल्लाह करे पक्का हो जाए। थोड़े आज उमर भाई का घर, ये माशाल्लाह, ताला खोलोगे उस्ताद जी? चाबी को ना जाएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? बड़ी की सही गल है यार, अजीब गल, एडे दूर आ गए चाबी नहीं लेके आए यार, ये बड़ा जुलम है। ये तो पेट्रोल की टैंकी नहीं गुजारा नहीं करती, पेट्रोल इतना महंगा हो गया 300 रुपये लीटर, और फिर जाना पड़ेगा चाबी लेने के लिए, यार गलत गल है। रंग सही बात है, बहुत काला हो गया, देखो चेक करें तो की ना, क्रीम लाना यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, माशाल्लाह। चलो जी ये पहला पोर्शन इनका, हमने जाना है जी सेकंड पोर्शन पे भी नहीं जाना, उससे ऊपर वाले पोर्शन में जाना है। ये आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं, उमर भाई थोड़ा सा बताएं ना, इंट्रोड्यूस करवाएं। पहले फर्स्ट ये तीन कमरे, अच्छा जी, ये पहला कमरा ये है, ये छोटा सा ये है, ये भी बस नॉर्मल सा ये है, ये माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा इनका कमरा है, ये वाला, ये वाला कमरा, अच्छा ये इनका ये कमरा है, काफ़ी बड़ा हाल है माशाल्लाह। चलें जी अल्लाह पाक इनको रहना नसीब करे इत्तेफाक सर सब भाइयों को। अभी पर चलते हैं मेन, ये लेंटर पड़ा है जो आपको दिखाते हैं, वो छत पे आ चुके हैं हम जी। ये लेंटर पड़ा है अभी ऊपर, देखते हैं चढ़ने होता है तो आपको चढ़ के दिखाते हैं ऊपर। तो उमर भाई से पूछते हैं जी कितने सैकड़े छत था, तो क्या इस पर खर्चा शर्चा आया। वैसे खर्चे की बात करें तो जितनी महंगाई चल रही है खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। पूछते हैं जी उमर भाई बताएं कुछ यार, कितना कितने सैकड़े है ये? है जी 8 सैकड़े, और जो इसमें सरिया तकरीबन लगा है 16 मन सरिया लगा है, 60 सीमेंट की बोरी, और इसी हिसाब से तकरीबन लगभग 3 लाख का खर्चा हुआ है सिलेंडर में। तो देख लें इस दौर में घर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन चलें अल्लाह पाक सबको दे के अपना घर बनाए। ये राजी इनका लेंटर माशाल्लाह पड़ गए, ये देखें कोई पाँव भी मार गया इस पर यार, ये बड़ी अजीब बात है।
चलें जी आपको दिखा दिए, अभी चलते हैं नीचे क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आपको सुबह नहीं दिखाया क्योंकि गर्मी थी, मैं आ नहीं सका और मुझे बताया भी नहीं था उमर ने, मुझे बताया था लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि इनका लेंटर पड़ा नहीं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर मौजूद होते हैं, इफ्तिताह करते हैं आके। चलें खैर अल्हम्दुलिल्लाह पड़ गए, तो आगे क्या रूटीन है जी, किधर जाना है अभी? तीन जाना, पैसे देने अभी सीमेंट वाले को, सरिये वाले को। अभी चले, अभी चलते हैं, कुछ हिसाब किताब करना है तो वो करते हैं जाके। अभी यहाँ पे आए हैं हिसाब किताब करने को सीमेंट का, उमर भाई पैसे से देने आए हैं जो सीमेंट लिया है उनसे। कितने पैसे देने उमर भाई? देने अभी हिसाब का नहीं है। पैसे कितने पैसे देने उमर भाई? 2,25,000। सारी को डिस्काउंट कराया करो। डिस्काउंट कितना है? ये हैं जी हमारे बहुत ही प्यारे भाई समीर भाई। तो ये हम जब मैं स्कूल में गया था, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उन्होंने स्कूल में नया नया दाखिला लिया था। नहीं तो माशाल्लाह इनकी अभी उम्र होगी 15 साल, तो मैं 25 साल का, ये 15 साल के। तभी कुछ सामान वगैरह करना है इनका, उन्होंने उमर भाई ने कोई बचा था सामान वो वापस करने के लिए आए हैं, हिसाब किताब करने। और जी समीर भाई, और मौसम जम कैसा जा रहा है? यही गर्मी तो नहीं, पसीने से हो गया ऐसे देखिए क्या हो गया है? बिल ज़्यादा बन गए, बिल ज़्यादा बन गया, सामान लेना उस हिसाब से बिल बनना है ना। अपनी वीडियो खुद देख रहे होते हैं बस बैठ के, खुद ही लाइक कर रहे हैं। क्या लाइक नहीं है यार, हजार से आते हुए समोसा ले आए थे हम, कहा चलो यार कुछ समोसा वगैरह हो जाए, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत मैदे का मस्त है, ज्यादा नहीं खा रहा। चाय चाय पीते हैं अभी और कुछ रह के बाद मिलते हैं जी। वो पानी देते हैं, ये मैंने लगाया था जो, ये तो बेचारा मुस गया बिल्कुल। यहाँ पे एक दिन मेरे हाल में कोई बकरी या कोई कह रहे थे कुत्ता वगैरह यहाँ पे आके बैठा है, उस वजह से ना ये बिल्कुल ही मुस्किल है, बाकी ठीक है। अभी से थोड़ी गोडी वगैरह करते हैं, ठीक है अभी इसकी गोडी करते हैं, पानी देते हैं इनको। जी क्यों हंस रहे हो? हाँ क्या हुआ यार? इस वक्त शाम होगी, अभी बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पे, बाहर आओ यहाँ पे शाम को, बड़ा अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम है, सारे भांजा भांजी आए होते हैं, सब बैठते हैं यहाँ पे खेलते हैं। ये भी बकर क्या बना रहा हूँ अनस, क्या बना रहा हूँ मैं, है क्या बना रहा हूँ, हाँ ब्लॉक क्या बना रहा हूँ लोग। अभी 14 अगस्त खत्म हो गया, अभी तक कपड़े पहने हैं आपने 14 अगस्त वाले? मम्मा बोलती है अभी 14 अगस्त है, खत्म हो गई अभी 14 अगस्त। करंडी तो को नहीं मिली, सरिया मिल गया, इसी से करते हैं थोड़ी बहुत, जो थोड़ी बहुत हो जाती है। इनकी एहतियात भी करनी पड़ती है तब जाके ये सही होते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाता है पौधा। इसकी सार गोडी करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, अभी थोड़ी बहुत सफाई करते हैं, इसकी पानी देते हैं इसको, थोड़ी बहुत गोडी कर ली है, जो आती थी कर ली, पानी डालते हैं सब पौधों के अंदर। डालो पानी, पानी डालो, क्या भाई डालो, आगे डालो पौधों में, आप डालो, बकर को डालने दो, डालो बकर पानी, और डालो अब अनस को दो, अनस को दो, अनस को डालने दो, डाल के आओ, शाबाश, और डालो, सर्दी होगी बोला है। आज के इस छोटे से व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें,
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से भी लोग में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।